Okay, so we have started with our today's class. ये आपको स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर, है विजिबल। बस ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। हम जो है पिछली क्लास में बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से ही हम आगे चलेंगे इस लेक्चर में, मगर यहाँ पर जो है ना हमारा जो फोकस है दैट इज ऑन हिंडरेंसेस, रुकावटें, मुश्किलात, इम्पेडिमेंट्स टू रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। ठीक है, तो हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहली बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ ना आज लेक्चर में, वो है देयर वैल्यूज। वैल्यू जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यू? वैल्यू किसको कहते हैं? वैल्यू से मतलब नहीं है कि पैसे के हवाले से वैल्यू, जो हमारी वैल्यूज होती हैं, जो हमारे अंदर की होती है, हमारी अखलाकियात की वैल्यूज, मोरल वैल्यूज। वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट मोरल वैल्यूज। तो आप वैल्यू के हवाले से क्या समझते हैं, कुछ बताना चाहेंगे आप लोग? कोई भी? लाइन पे कौन कौन है स्टूडेंट अभी? कौन कौन है लाइन पे? 37 है, 01 है, 03 है, 06 है, 07 है, 8, 10, 12, 15, 16, 21, 32, 36, 39, 41, इतने सारे लोग हैं। ठीक है, तो यार आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आइड कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज वैल्यू एंड विद रिस्पेक्ट टू द एथिक्स एंड मोरालिटी? सर, ये भी हमारी अखलाकियात ही होती हैं। ये क्या होती, क्या चीज है ये? हम वैल्यू किसको कहते हैं? वैल्यू इज समथिंग दैट सर पर्सनल एथिक्स जो होते हैं हमारे, प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर दैट वी समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट टू अस, अ काइंड ऑफ प्रिंसिपल और अ बिहेवियर दैट वी थिंक इज इम्पोर्टेंट फॉर टू अस, दैट इज दैट कैन बी रिगार्डेड एज वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू हो सकती है एक बंदे की वैल्यू दूसरे बंदे की वैल्यू से डिफरेंट हो सकती है। वैल्यूज डिपेंड ऑन योर अपब्रिंगिंग, योर ट्रेनिंग, द एनवायरमेंट दैट यू गेट। ठीक है, उस पर डिपेंड करती है, जैसे आपका बचपन गुजरा इस हवाले से, आपकी तरबियत पर डिपेंड करता है कि आप किन चीजों को अपनी वैल्यूज। वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट, वैल्यूज का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वैल्यूज जो है ना उसकी बेसिस पे करेक्टर बिल्डअप होता है। ठीक है, करेक्टर आपका जो है ना वो डिपेंड करता है वैल्यूज पे। व्हाट आर योर वैल्यूज? वैल्यू कैन बी ऑनेस्टी, लॉयल्टी, एफिशिएंसी। ठीक है, तो वैल्यू इज समथिंग दैट वी होल्ड इंपॉर्टेंट, अ काइंड ऑफ बिहेवियर दैट वी होल्ड इंपॉर्टेंट। वैल्यूज आर इंडिविजुअल इन नेचर, मतलब यह है कि एक बंदे की जो वैल्यूज हैं दूसरे बंदे की वैल्यूज से डिफरेंट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस, देयर ट्रेनिंग, देयर अपब्रिंगिंग एंड अ नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। अब आप लोग जो है अगर शेयर करना चाहें कि व्हाट आर द मोस्ट, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू फॉर यू, और व्हाट आर द 3-4 मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज फॉर यू पीपल, वन बाय वन अपनी वैल्यूज बताना शुरू करें जरा। आप लोगों के ख्याल में क्या वैल्यूज है आपकी? आप सर, लोगों ऑनेस्ट होना चाहिए इंसान को, रिस्पॉन्सिबल। ने जी रिस्पॉन्सिबल, साथ अपना नाम भी बता दिया करें तो अच्छा होगा ज्यादा, क्योंकि मोहतशिम, रिकॉर्ड ऑनेस्टी एक आया, एक वैल्यू आई ऑनेस्टी। और दूसरा क्या बताया था आपने? रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल सर। होना चाहिए, तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। कोई और बताए अपनी वैल्यूज जो आप? सर, सिंसियर एंड लॉयल। हाँ, लॉयल्टी एक तरफ से, सिंसेरिटी आई है, लॉयल्टी आई है, और इसके अलावा सिंसेरिटी, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, 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 रिस्पेक्ट जो है वो भी आपकी तरफ से आई है। ठीक है, और इसके अलावा वैल्यूज कोई और जो बताना चाहें? सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मैं बेसिकली, माय क्वेश्चन इज फ्रॉम द क्लास दैट आई वॉन्ट टू नो कि जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो कौन सी, वो जरा निकल के सामने आए, जिस पर
कंसेंसस हो जिस पर मेजोरिटी एग्री करे, उनकी सबकी वो सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू हो। क्या ऐसी कोई वैल्यू है जो निकल के सामने आती है? आप लोग जरा अपनी सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू शेयर करें जरा कि मेरी नजर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है वैल्यू। सर आई थिंक ऑनेस्टी होगी। सर ऑनेस्टी जी। एक एक बंदा बात करे ना ग्रुप में। मैंने दोनों की बात नहीं समझी, कोई एक स्टूडेंट, आप दोनों में से एक स्टूडेंट रिस्पांस दे ना। सर ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट एक वैल्यू। ऑनेस्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या रिस्पेक्ट? दूसरे नंबर पे हम देख लेंगे रिस्पेक्ट को। आप पहले ये बता लें, ऑनेस्टी इज मोर इंपॉर्टेंट और रिस्पेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट? रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट सर। ऑनेस्टी ऑनेस्टी कितने जो लोग एक वोटिंग करा रहे थे ना छोटी सी, जो लोग कहते हैं जी कि ऑनेस्टी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यू, वो हाथ रेज करें, फिर अपना हाथ थोड़ी देर बाद ना एक दो सेकंड बाद लोअर खुद ही कर लीजिएगा। मैं देखना चाहूंगा हैंड, वो जो शो ऑफ हैंड होता है, कितने शो ऑफ हैंड हो रहे हैं? तीन हो गए ऑनेस्टी के लिए, और एक दो तीन चार पाँच छ छ के अलावा, और ये बाकी लोग किधर गायब हुए हैं? आप लोगों की क्लास में तो 40 स्टूडेंट हैं। एक दो तीन चार पाँच छ सात सात हैंड्स आए आए हैं मेरे पास। अच्छा 11 हो गए। कितने हो गए? 11 हो गए। यहाँ पे लिखा हुआ आता है, किधर लिखा हुआ आ रहा है सर? वो जब हैंड रेस करते हैं तो प्लस 10 रेस देयर हैंड लिखा हुआ आता है, प्लस 19 आ रहा है मेरे पास। प्लस 19 यानी 19 लोग कहते हैं कि जी क्या ऑनेस्टी जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है। चलिए सर, ये प्लस 19 जो के पास आ रहे सर, ये टोटल स्ट्रेंथ जो एक्स्ट्रा है वो है सर हमारे पास। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हाथ यहां से काउंट करूं ना मैं इस पार्टिसिपेंट से? हां सर, जो रेज हुए हैं सर वो 11 है सर, वो हमें यहां पर शो हो रहा है सर। आप बताते रहें साथ साथ जहां से भी शो हो रहे हैं। 11 आउट ऑफ 19 लोग कहते हैं ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू कोई एक जो सामने आती है वो रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट को कितने लोग समझते हैं जी रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू? रिस्पेक्ट, अब सारे हाथ लोअर करके ना, अब मैं रिस्पेक्ट का पूछ रहा हूँ आपसे कि रिस्पेक्ट को जो कोर सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू समझते हैं, ऑनेस्टी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं रिस्पेक्ट को, वो कितने लोग हैं आप लोगों में से? सर वो भी यहाँ पर 11 ही शो हो रहा है सर, 12 हो रहे हैं सर। 12 हो रहे हैं, यस सर। 12 एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अभी तक ऑनेस्टी के लिए जो है ना 11 स्टूडेंट्स ने आउट ऑफ 19 वोट किया था। अभी अब मैं रिस्पेक्ट का पूछ रहा हूँ, कौन है जो रिस्पेक्ट को फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू समझते हैं, ऑनेस्टी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं? पांच हो गए ना, नौ हो गए, 9-10 हो गए, और सर 10 लोग हैं। ये वो लोग हैं जो ऑनेस्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट को समझते हैं। यस सर। कितने लोग हो गए टोटल अभी आपके? सर 10 लोग। अच्छा 10 लोग। अच्छा पहले जो थे 19 में से 10 ने ये कहा है, और 12 ने जो है उस कैसे, तो मैथ करेक्ट हो ही नहीं रही भाई, तो 9 लोगों ने ऑनेस्टी कहा है, और कितने लोगों ने रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट कहा है, कितने लोगों ने ऑनेस्टी कहा था आप लोगों में से पहले? 11 ने। प्लस 21 हो गए हैं टोटल क्लास में। तो इसे एक रफ जी 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 बोले सर, मैं समझती हूँ कि जो रिस्पेक्ट है ना वो भी ऑनेस्टी के अंदर आती है। अगर आप किसी के साथ ऑनेस्ट नहीं हो तो हाउ कम कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो? रिस्पेक्ट ऑनेस्टी के अंदर यस सर।
एक मिनट, इसकी जरा पॉइंट की वजाहत करें कि क्या मत, मैं नहीं समझा आपकी बात, के रिस्पेक्ट ऑनेस्टी में आती है। अगर आप किसी के साथ ऑनेस्ट हैं तो, अगर आप किसी के साथ ऑनेस्ट नहीं हो तो हाउ कम कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, मतलब कैसे, मतलब ऐसे मैं ये तो नहीं समझती कि रिस्पेक्ट जो है वो सबसे पहले है, ऑनेस्टी से भी ज्यादा पहले। अगर आप देखो, अगर आप अपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लो ना, तो लोग जो हैं रिस्पेक्ट कम और ऑनेस्टी, मतलब वो इस तरह सेम इसलिए नहीं कर सकते कि सामने फेस टू फेस वो कुछ और होते हैं और बैक टू बैक वो कुछ और कह रहे होते हैं, तो लिहाजा इसमें काफ़ी फ़र्क है। और ऑनेस्टी के अंदर तो ये अलग है। अच्छा, रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है आप लोगों का, जरा ये भी, कौन छोड़ के किसी ने निकाल दिया किसी को बाहर, लीफ क्यों जा रहा है, मैं जरा सेटिंग चेंज करूं यार, कहां से है आपकी सेटिंग, ये मीटिंग में जाके मैनेज परमिशन, सर मैनेज में जाके, यस सर। अच्छा, आप लोग जरा बताएं ना आपका कॉन्सेप्ट क्या है, रिस्पेक्ट का क्या मतलब होता है, ओनली आई कैन प्रेजेंट ना, ओनली मी सेफ। हाँ, बाकी उनसे कहें ज्वाइन कर लें, ये छोड़ के जा रहे हैं या क्या, निकाल दिया गया इनको बाहर, अच्छा रिस्पेक्ट। देखिए, आप लोगों के ख्याल में ना 50% यानी जो है ना, आप लोगों की जो लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रिस्पेक्ट है, कुछ कह रही है 50% अप्रोक्सीमेटली, सर यानी 48% समझ लें, 52% के लिए जो है ना ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो इससे एक चीज बाकी अपनी जगह पे, जो आप लोगों की मॉरल वैल्यूज का हिसाब किताब है अपनी जगह पे, लेकिन एक चीज सामने ये आती है कि वैल्यूज जो है ना वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती हैं, ठीक है, ये पॉइंट सामने आता है। कुछ लोगों के लिए रिस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, कुछ के लिए ऑनेस्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये पॉइंट सामने आता है इससे। अच्छा, इसके अलावा ना कुछ कोर वैल्यूज होती हैं, जो आपकी अभी अपने वैल्यू बताई है ना, नंबर वन सबसे इंपॉर्टेंट, ये उन कोर वैल्यूज में सर फहरिस्त थे। कोर वैल्यूज में और भी वैल्यूज आती हैं, मसलन ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, कमिटमेंट, डिपेंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑन, ठीक है, एफिशिएंसी, ये सारी आपकी कोर वैल्यूज हैं। कोर वैल्यूज जो है ना, हाँ, दे आर कॉल्ड द कोर वैल्यूज, जो आपकी बिल्कुल, और मसला पता है क्या है, प्रॉब्लम क्या है हमारी, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, हमारी जो ओवरऑल लोग हैं, हम लोग, हमारी जो सोसाइटी है, अगर हमारे अपब्रिंगिंग में कोर वैल्यूज जो है ना उनको डाला जाए, और उनको कि ये आपकी कोर वैल्यूज है हमारे एजुकेशन सिस्टम के जरिए से, तो हमारी कौम पूरी जो है ना वो ठीक हो सकती है, ट्रैक पे आ सकती है। हम लोग ट्रैक से उतरे हुए नजर इसलिए आते हैं, हमारी कोर वैल्यूज जो है ना वो ठीक नहीं होते, तो उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, और सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी अपनी रिस्पेक्ट, ठीक है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरे की तो रिस्पेक्ट हो, पहले आप अपनी रिस्पेक्ट भी सीखें करना, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ठीक है, लॉयल्टी, लॉयल्टी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ ऐसी होती हैं आपकी मतलब वो कम्युनिटीज हैं, मतलब मैं स्पेसिफिकली किसी ग्रुप ऑफ पीपल की बात नहीं कर रहा, उनके कल्चर का हिस्सा होती है, उसमें जो है ना कुछ वैल्यूज जो है ना वो है ना एम्बेडेड है उसमें, कि उनमें से एक होती है आपकी जो है मेहमान नवाजी, दूसरा आपकी हो गई बहादुरी, तुरा जिसको कहते हैं, हाँ जी, तो वो उनकी कोर वैल्यूज उनके कल्चर की, उनकी कम्युनिटी की। तो जी, वो कुछ बोलना चाह रहे थे, बोले कुछ कहना चाह रहे थे, मैं वेट कर रहा हूँ, अब वो फॉलो कर रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे, यस सर, जी सर, कि जो कोर वैल्यूज है ना, दे फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी अभी कोर वैल्यूज है हम लोगों की ना, दे वी शुड नॉट लेट देम चेंज व्हेनेवर वी गो इन सम ऑर्गेनाइजेशन वी आर वर्किंग इन, दोस कोर वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये अलग बात है कि कोर वैल्यूज हमारी डिफर करती हैं, कोर वैल्यूज जो है वो आपकी मतलब ये है कि इफ यू वांट टू यूनाइट अ सेट ऑफ पीपल्स, ग्रुप ऑफ पीपल, यू नीड टू हैव एम्बेड इन देम कॉमन कोर वैल्यूज, तो ये मेरा कहना था। कोर वैल्यूज जो है ना वो आपकी उसमें ऑनेस्टी, लॉयल्टी, इस टाइप की सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स और ऑप्टिमिज्म, ये सारी चीजें मोस्टली होती हैं, और इनको जो है ना आपने जो है मतलब ये कि आप ये समझ लें आपके वो प्रिंसिपल्स हैं आपकी शख्सियत के, जिनको आपने जो है ना चेंज नहीं करना या कॉम्प्रोमाइज नहीं करना उनको,
ठीक है, नेवर कॉम्प्रोमाइज. इफ यू आर सपोज वर्किंग इन सम ऑर्गेनाइजेशन व्हिच रिक्वायर्स यू टू बी डिसऑनेस्ट, देन यू शुड नॉट वर्क देयर. सीधी सी मतलब आसान अल्फाज में कहने की बात यह है, अगर आप जो है ना कोर वैल्यू आपकी ऑनेस्टी है, एंड वेयर एज यू यू गो एंड जॉइन सम ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू फाइंड दैट दे फोर्स यू टू बी डिसऑनेस्ट, देन यू शुड नॉट वर्क देयर, बिकॉज देन यू विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग योर कोर वैल्यू. So point is that core value should not be compromised. First of all, decide your core values carefully, and then never compromise them. होता ये है, होना ही चाहिए या अच्छा होता ये है, जब character building होती है किसी की तो उसमें core values उनके अंदर embed करती हैं, उनके जो बड़े हैं या जो माहौल दिया जाता है उसके जरिए से. ठीक है, तो बंदा अपने core खुद भी जो है ना इम्प्रूव कर सकता है. तो हमारे पास अल्लाह ताला ने इतनी flexibility दी है, अच्छे courses और books वगैरह देख के उनके कौन सी core values होनी चाहिए वो आप अपने अंदर जन को फिक्स करें. ठीक है, दैट्स द पॉइंट. तो किसी का कोई कंफ्यूजन इस हवाले से, कमेंट कोई ऐड करना चाहे? आप लोग फॉलो कर रहे हैं इस कोर्स को कि नहीं कर रहे हैं सही से? ये कोर्स इसी तरह से चलेगा, ये सारी चीजें हैं इसमें. ठीक है, अच्छा अभी जो मैं आपको बात करना चाह रहा हूँ ना, इम्पेडिमेंट्स टू रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर. तो इसमें क्या है, इम्पेडिमेंट बेसिकली कहते हैं हिंड्रेंस को, रुकावट को. यानी कि रिस्पॉन्सिबल एक्शन में जो रुकावटें हैं वो क्या हैं, वो ये आपके सामने लिस्टेड हैं. ये जो आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं कितने हैं, ये 1 2 3 6 7 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ना. इनके अलावा भी हो सकते हैं लेकिन ये मेन जो है ना जो हमारी किताब कहती है. सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट, फिर सेल्फ डिसेप्शन, फिर फियर, इग्नोरेंस, इगोसेंट्रिक टेंडेंसीज, माइक्रोस्कोपिक विजन, अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी. ये सारे पॉइंट्स की अब हम बात करते हैं वन बाय वन. सबसे पहले आप देख लें सेल्फ इंटरेस्ट किसको कहते हैं. Self interest, egoism, exclusive concern to satisfy one's own interest, even at the possible expense of others, looking out for. देखें जो खुदगर्जी जो है ना एक लिहाज से आप उसको कह सकते हैं सेल्फ इंटरेस्ट. बंदा अपना मफाद देखे, बस अपना फायदा देखे, अपना इंटरेस्ट देखे, बाकी सब जाए भाड़ में, बस मैं जो है ना वो सही चलूँ. ये दैट इज द सेल्फ इंटरेस्ट. सेल्फ इंटरेस्ट जो है ना आपका एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर में सबसे बड़ी रुकावट है. ठीक है, कैसे, कोई इसको जरा एलैबोरेट करना चाहेगा इसमें? इसको सेल्फ इंटरेस्ट यानी आपका अपना अपना मफाद देखना, अपना इंटरेस्ट देखना, और बाकी जो है ना इवन एट गोइंग अगेंस्ट दी अदर्स, उनके नुकसान करके अपना फायदा करना. इसको अगर इस थोड़ी आपकी आसानी के लिए मैं एक सिनेरियो देता हूँ कि सपोज यू बिकम अ मैनेजर. ठीक है, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ, यू हैव अ टीम ऑफ वर्कर्स वर्किंग अंडर योर कमांड, and you have this problem of self-interest, तो आपका ये responsible behavior में कैसे रुकावट का बायस बनेगा? सोचे, सोच के मुझे जवाब दें आप लोग सब वन बाय वन. सुन रहे हैं आप लोगों को आवाज पहुंची है कि हम सब ब्लैंक हो गए बिल्कुल? सर ये रिपीट करते हैं लास्ट पार्ट. मैं ये कह रहा हूँ भाई सेल्फ इंटरेस्ट कहते हैं जी अपना इंटरेस्ट देखना, अपने इंटरेस्ट को पूरा करना, अपना फायदा बस देखना, दूसरों का बेशक नुकसान कर दें आप. तो इससे जो है ना ये सबसे बड़ी पहली रुकावट हमारी आती है रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर में. तो इस हवाले से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कैसे रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है आपने, उसमें ये रुकावट कैसे, किस तरह से होगी? उसके लिए मैंने एक सिनेरियो खींच दिया. सपोज यू आर सम टीम लीड एंड आपके अंडर काफी सारे बंदे काम कर रहे हैं, एंड यू हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट. तो आप अपने रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के अंदर कैसे उसमें प्रॉब्लम फेस करेंगे इस हवाले से, ये आपके बिहेवियर में इरेस्पॉन्सिबल. अगर एक आप लाइक बिजनेस कर रहे हैं और उसमें आपको लाइक जो अगर मंथली जो प्रॉफिट होता है एक मंथ उससे ज्यादा हुआ है, तो लाइक आप जो आपको ज्यादा हुआ है वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए, लेकिन आप अपने पास ज्यादा कर रख रहे हो और पहले जितने नॉर्मल मंथ में आप देते थे बाकी पार्टनर्स वगैरह को उसको उतना ही दे रहे हो, तो दैट इज के आपका सेल्फ इंटरेस्ट पे आप जा रहे हो. बिल्कुल एक लिहाज से सही है ये बात. दूसरा मैं आपको अपने जाती जॉब एक्सपीरियंस के हवाले से भी शेयर करता हूँ. पहले बहुत पहले की बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि आई हैव अराउंड मोर देन 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस. तो जो आपके मैंने देखा है ना कि जो टीम लीड्स होते हैं ना, या जो आपके इंचार्ज हैं किसी ग्रुप के, तो इफ दे आर वेरी दे गो फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट, दे आर इंटरेस्टेड ओनली इन देयर ओन बेनिफिट्स, तो एट द एक्सपेंस ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स, तो उससे क्या होता है कि वो बेसिकली अपनी एक लिहाज से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे. बिकॉज बींग टीम लीड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. अगर कोई नीचे वाला बंदा सफर करता है तो
इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि वो सफर ना करें, उसका भी नुकसान ना, उसका फायदा हो. तो अगर आप जो है अपना ही फायदा देख रहे हैं और जो है जहाँ पे आपने उसके इंटरेस्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, तो आपका ये रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर तो ना हुआ ना. बिकॉज व्हेन यू आर द टीम लीड, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन अंडर यू, उन सब के, क्योंकि जो बड़ा होता है या जो किसी भी ग्रुप का लीडर है या किसी ट्राइब का मैं मिसाल दूंगा कि सरदार है, तो वो नीचे के सारे लोगों की जो है ना जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है, उसको उनके उनको उनके राइट्स पूरे करा के देना. तो इस हवाले से जब अगर वो जो सरदार है ट्राइब का, वो खुद ही अपने मफाद के पूरे करने के चक्कर में पड़ जाए और नीचे वाले लोगों को जो है वो एट द कॉस्ट ऑफ दैट, तो वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कैसे हो सकता है? दैट इज द मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आई वुड से. तो ये इस हवाले से आता है कि सेल्फ इंटरेस्ट जो है ना, सिर्फ अपना सोचना और बाकी अपने टीम का ना सोचना, अपने ग्रुप के बाकी लोगों का ना सोचना, ये जो है ना सेल्फ इंटरेस्ट इज अ हिंड्रेंस टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर. ठीक है, क्लियर है आप लोगों के जहन में? और अगर कोई ऐड करना चाहे यहाँ पे तो अपनी तरफ से ऐड कर लें बेशक, कोई पॉइंट अगर डालना चाहते हैं मजीद इसमें. आपके अपने एक्सपीरियंसेस भी तो होंगे ना, आप उसमें से कोई एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं. जी जी बोले, कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके चले फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. सेल्फ डिसेप्शन. सेल्फ डिसेप्शन जो है ना, सेल्फ डिसेप्शन का मतलब होता है खुद को धोखे में रखना. इंटेंशनल अवॉइडेंस ऑफ ट्रूथ, विलफुल लैक ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग. जानते बूझते हुए भी जो है ना आंखें बंद कर लेना, जैसे होता है ना कि वो क्या आपको पता है जी ये चीज इस तरह नहीं मुझे करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद आप उसको इग्नोर करेंगे, नहीं जी मैं इसी तरह से करूँगा. कोई उसमें आपका होगा अवॉइड करना चाह रहे होंगे किसी चीज को, या किसी मजीद काम करने को अवॉइड करना चाह रहे होंगे. कभी कभार इंटेंशनल होता है, कभी कभार हैबिचुअल होके अन इंटेंशनल भी हो जाता है. यानी इस तरह से कहना जी एवरी वन टेक्स शॉर्टकट तो मेरे लिए भी जस्टिफाइड है, इसके अलावा मैं सर्वाइव कैसे कर सकता हूँ. आई एम रियली डूइंग दिस जस्ट फॉर माई I'm not really doing just for myself. तो ये जो झूठी तसल्लियां देना, ये जो है ना मतलब ये कि हमारा जो अंदर से we should be very clear about it. We should not try to deceive ourselves. कि आप हमारा जो अंदर है ना वो point out करके बता देता है ज़मीर कि भाई this is you are doing wrong. तो अपने आप को ना किसी deception में ना किसी delusion में नहीं रखना चाहिए. ठीक है, कि उससे क्या होता है कि फिर आपका रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं रहता, आपका बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता. तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन रिस्पॉन्सिबल एक्शंस के लिए जरूरी है कि सेल्फ डिसेप्शन से बचा जाए, जो चीज है जैसे उस ट्रुथ को रियलाइज किया जाए और इस चक्कर में ना पड़े कि जी इसे जो है क्या कहते हैं अवॉइड कर लेंगे. अगर हमने देख लिया तो हमें काम करना पड़ जाएगा, जो आपको काम करना पड़ जाएगा ना वो एक्चुअली आपको करना चाहिए. ठीक है, तो सेल्फ डिसेप्शन इज द सेकेंड हिंड्रेंस इस लिस्ट के मुताबिक. फियर, फियर ऑफ एक्नॉलेजिंग आवर मिस्टेक्स, लूजिंग जॉब, सम सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट, बैड कॉन्सिक्वेंसेस, रिट्रीब्यूशन, इंतकामी कार्रवाई. देखें जो फियर है ना आपका, फियर इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि बेसिकली इट्स देयर इन अस, बिकॉज व्हेन वी आर स्मॉल चिल्ड्रन वी डोंट हैव मच अंडरस्टैंडिंग. तो दिस इज अ वे ऑफ नेचर, नेचर कुदरत ने हमारे अंदर रखा है प्रोटेक्ट करने के लिए. अगर फियर ना हो तो बच्चे अपने आप को डैमेज कर लें. ठीक है, तो फियर जो है ना वो एज अ बाय प्रोडक्ट बाद में भी चलता है. फियर इज ऑल्सो यूज, सो कुछ हद तक फियर इज यूजफुल, इट शुड बी देयर, इट्स पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी. बट फियर जो है ना उस, जब वो अपनी जगह से हट जाता है, बढ़ जाता है ना, दैट इज ऑलवेज बैड. तो फियर ऑफ एनी थिंग ये आपको रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से रोकता है. फियर ऑफ मिस्टेक्स जो है वो उसको एक्सेप्ट ना करना, एक्नॉलेज ना करना, यार मैंने गलती कर दी, उसे अवॉइड करना, मुंह छुपा लेना या उसको कन्नी कतरा जाना या अवॉइड करना उसको. ठीक है, दैट इज इफ यू हैव डन अ मिस्टेक वी शुड एक्सेप्ट इट और उसको सही करने की कोशिश करनी चाहिए, या उसके अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेज बनते हैं तो उसको फेस करना चाहिए. वी डोंट, वी शुड नॉट लेट फियर कम इन सिचुएशन. दूसरा फियर किस किस्म का हो सकता है? नौकरी से निकल जाने का, किसी किस्म की कोई पनिशमेंट मिलेगी आपको, गलत नतायज निकलेंगे, या आप जो है, अच्छा आप मिसाल, अब रिट्रीब्यूशन के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल ये देता हूँ कि एक कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी थी कुछ अर्सा पहले कराची में, कि वहां पर जो है ना
टीचर्स जो है ना वो स्टूडेंट्स, क्योंकि वो काफी ज्यादा पॉलिटिक्स वगैरह आ गई थी वहाँ पे, तो स्टूडेंट्स से थोड़ा सा घबराते थे इस हवाले से। तो वो क्या करते थे कि जो है ना वहाँ पे मैंने देखा था, ये दूसरी जहाँ पे डिसिप्लिन का बहुत सीरियस इशू था उन यूनिवर्सिटीज में, तो वो जो है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में किसी भी लिहाज से, जैसे एग्जामिनेशन में इनविजिलेशन ड्यूटी है, तो फियर की वजह से ना कि अगर मैंने ये इसको इस इलीगल काम से रोका तो जो है ना ये इंतकामी कार्रवाई के तौर पर कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि देवर आप समझ रहे हैं ना बात किस तरह के स्टूडेंट होते थे वहां पे। तो ये जो है ना उसकी एक एग्जांपल है कि अगर कोई स्टूडेंट नकल कर रहा है, उसको टीचर ने नहीं पकड़ा इस डर से यार मैं पकड़ लूंगा तो मैं यूनिवर्सिटी से बाहर जाऊंगा, तो ये ऐसे कर देगा मेरे साथ, तो ये उसकी एक एग्जांपल है। तो फियर जो है ना वो दरमियान ड्रामा भी चल रहा है। हाँ, तो ये मेरा इसी तरह से आप जजेस होते हैं उनकी ड्यूटी में ये चीज आ जाती है कि वो फैसला अगर सुनाए तो उनको भी जो है ओवरकम करना पड़ता है इसको, अगर ये ना फियर को ओवरकम करें तो वो फिर अपना रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं शो कर सकते, उनके एक्शन रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। तो दिस इज द थर्ड हिंड्रेंस या रुकावट इन द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स। आप लोगों का कोई अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें इस हवाले से, कुछ ऐड करना चाहें, और एक तो बात अभी बहुत अच्छी इन्होंने बताई है किस तरह से ड्रामा भी चल रहा है। दूसरा यार मैं फियर के बारे में ये कहूंगा कि देखें वी शुड एक्ट लॉजिकली एंड अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। फियर जो होता है ना उसको ओवरकम करना चाहिए, अगर आप फियर को ओवरकम नहीं करेंगे देन यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। फियर जो होता है ना, हाँ, अगर आप फियर को ओवरकम, बैड रेपुटेशन का भी फियर होता है। किसका फेस होता है? बैड रेपुटेशन का फियर। जी बिल्कुल, मगर जो रेपुटेशन आपकी, अगर आप सही काम कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, उसमें रेपुटेशन कैसे खराब होगी? नहीं मतलब मैं कह रही हूँ कि अगर मतलब होता, डर तो होता ऑब्वियसली सबको ही, कहीं मतलब कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग की थ्रू हो जाता है मतलब। जी बिल्कुल, तो फियर के बारे में मैं ये कहूंगा कि फियर इज यूजफुल देयर इन द पर्सन, समथिंग दैट इज गुड इन द पर्सनैलिटी, बट एक्सेस ऑफ दैट बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट इज बैड। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी, जी जी सर, अगर स्टूडेंट इस तरह से आपने बताया था कि चीटिंग वाला सिनेरियो हो, तो उसमें स्टूडेंट्स इस तरह से करते हैं टीचर्स के अगेंस्ट, तो उस सिनेरियो में क्या करना चाहिए टीचर को? भाई सीधी, तो उनका सही है वाकई है ये बात, इस तरह से सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है। आप इन्विजिलेशन ड्यूटी पे हैं, आपने अपनी आंखों से गलत काम होते हुए देख लिया है, आप उसको रोक दें, खत्म बात। कोई और ये नहीं कि डर से आप उसको वो कर दें, मेरा तो ये कॉन्सेप्ट है सीधा साधा। हमने अगर कोई इलीगल मींस यूज करेगा और मैं वहां पे इन्विजिलेशन ड्यूटी पे हूँ, तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के, मेरे ऑनर की, मेरा जो डेकोरम है एज अ टीचर उसके अगेंस्ट है कि मैं आंखें बंद कर लूँ। मैं तो उसको जो है अगर मैंने देख लिया है तो मैं तो उसको रिपोर्ट करूंगा जो भी अथॉरिटीज हैं उसको, और जो मुझे नेसेसरी एक्शन की इंस्ट्रक्शंस मिली हुई है उन्हें उसको एग्जीक्यूट करूंगा। और मैंने जब मेरी जो ट्रेनिंग हुई है, जितनी भी मतलब प्रोफेशनल ट्रेनिंग और एज अ स्टूडेंट भी सारी, उसमें मैंने यही सीखा था कि इस ये वो चंद एक चीजें हैं जिसमें से आप जो है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, यू नो मैटर वट एवर द कॉन्सिक्वेंसेज आर, यू कैन नॉट अलाउ अ स्टूडेंट टू चीट इन फ्रंट ऑफ यू, यू मस्ट रिपोर्ट द अथॉरिटीज, और जो है क्या कहते हैं इसके बाद फिर आप अपना काम पूरा करें, बाकी इसके बाद जो होता है ना तो वो फिर अल्लाह ताला मालिक है इसका, वो उससे डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, डरने की जरूरत ही कोई नहीं। आप अपना काम करने के लिए आए, अपना काम पूरा करें सीधे तरीके से। और दूसरा ये कि इंसान जो है ना उसको उसके बहुत सारे फियर्स होते हैं, तो एक चीज मैं मेरी अपनी मैं सोच बता रहा हूँ कि इंसान का जो सबसे वर्स्ट फियर होता है वो ये होता है कि वो मार दिया जाएगा या मर जाएगा। मैं मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, मतलब sort of ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो आप इसको इस तरीके से देखें जी कि क्या कहते हैं इसका, वैसे भी लाइफ इज लिमिटेड, तो डरने की क्या जरूरत है इसमें, सीधी सी बात है। तो इसलिए आपको बंदे को अपना काम पूरा करना चाहिए जो उसको कहा गया है, और जो उसको ड्यूटी दी गई है बस उसको आप एग्जीक्यूट करें पूरे तरीके से। बाकी जो है ना, अगर मिसाल के तौर पे ये इस तरह से आप अलाउ कर दें जी कि स्टूडेंट ये कर देंगे या वो कर देंगे, ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, फिर तो सारा सिस्टम खराब हो गया ना आपका, सारा ऊपर नीचे हो गया सिस्टम। तो आप अगर अपने सामने एज ए टीचर अलाउ कर लें एक स्टूडेंट को अनफेयर मीन्स यूज करते हुए,
तो फिर तो आपके टीचर रहने की वो तो बात ही खत्म होगी ना। मतलब एक कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लाइन को क्रॉस आप नहीं कर सकते, ये उनमें से एक है। समझ में आई बात मेरी? जी दिस इज द वे आई थिंक। ठीक है। हाँ अच्छा, बाकी ये है कि कहने का मकसद ये था कि आपके जो क्या कहते हैं ये तीसरा पॉइंट है ना, वो ये कह रहा है आपसे कि जो फियर है ना, ये एक रुकावट होता है रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर में। तो अगर आप फियर को आने दें, रास्ते आने देंगे, तो आप अपना रिस्पॉन्सिबल एक्शन कैसे उस अपनी मतलब ये क्या यू एक्ट रिस्पॉन्सिबली। तो अगला पॉइंट जो हमारे पास है ना, दैट इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस ला इल्मी या जो है कम इल्मी, अवेयरनेस ना होना, इग्नोरेंस ऑफ वाइटल इंफॉर्मेशन, इंटेंशनली इग्नोर टू अवॉइड दी एसोसिएटेड चैलेंजेस, लैक ऑफ इमेजिनेशन, प्रेशर डेडलाइंस। देखिए इग्नोरेंस में ये है कि अगर आप किसी जगह पे हैं और आपको जो है ना, यू हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, यू नीड टू हैव फुल अवेयरनेस ऑफ ऑल दी नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ऑल दी नेसेसरी थिंग्स। अगर आपके पास इंटेंशनली इग्नोर, एक तो इंटेंशनल होगी और एक अनइंटेंशनल होगी। अनइंटेंशनल अगर है तो दिस मींस दैट कि आप उस काम के लिए जो है ना सूटेबल नहीं थे, तो आप वहां पर आप अगर उसको जो है ना ओवरकम करें, उसको अवेयरनेस अपने अंदर लेके आए, अगर आपको कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। दूसरा है इंटेंशनल, के जानबूझ के ना इग्नोर करना चीजों को, इग्नोर करना जानबूझ के इंस्ट्रक्शंस को या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या कोई और पॉइंट्स हैं इस हवाले से उनको, सो एज टू अवॉइड चैलेंजेस या एक्स्ट्रा जो ना अपने आप को बर्डन से बचाने के लिए ना, जान छुड़ाने के लिए आप चीजों को इग्नोर करें, तो दैट इज वेरी बैड। दिस इज अनदर हिंड्रेंस टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। ठीक है। तो इग्नोर करना जो है ना चीजों को, इंस्ट्रक्शंस को जो आपकी कमांड हायर अथॉरिटीज की तरफ से आ रही हैं, या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइंड हैं, या जो नॉलेज इंफॉर्मेशन आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए, उस सबको इग्नोर करना, तो ये जो है ना एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के हवाले से एक हिंड्रेंस है। मेरे वालिद साहब जो है ना, वो मुझे एक दफा उन्होंने मतलब गाइड कर रहे थे, ही इज रिटायर्ड फ्रॉम नेवी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि जब किसी भी जगह पे डिपार्टमेंट में नई जॉब या काम वो स्टार्ट करते थे ना, सबसे पहले जितने भी प्रीवियस केसेस होते थे ना उस महकमे के, उस ऑफिस के, यानी उस जगह से जो पहले फैसले किए गए थे, उनकी फाइल्स मेंटेन की जाती ऑफिस में। तो शुरू में जब काम नहीं मिलता था ना, तो वो मेरा होता था, यानी अभी कुछ एक दो हफ्ते शुरू के चल रहे हैं, हर वो काम प्रेशर हल्का है, तो वो पुराने केसेस जो है ना वो पढ़ना शुरू कर देते थे, उनको केस स्टडीज भी हम लोग कहते हैं। तो उससे जो है ना आपको बहुत ज्यादा जो है ना अवेयरनेस होती है और पता चलता है चीजों का कि, और आपका जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन वाला जो मसला है ना, दैट इज सॉल्व। तो ये भी एक मैं टिप सॉर्ट ऑफ बता रहा हूँ, कल को आप अगर जॉब पे जाते हैं ना, तो जो पहले के जो केसेस गुजरे हैं ना, अब तो खैर सब हर चीज इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, तो वो केसेस को आप देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक्सक्यूज मी, इसमें लैक ऑफ इमेजिनेशन का किस तरह से हो सकता है? लैक ऑफ इमेजिनेशन का मतलब है फोरसी करना, चीजों को पहले से देख लेना। लैक ऑफ इमेजिनेशन से मुराद ये कि पहले से ना फोरसी करना, आपको बहुत सारी जगहों पे ना विजुलाइज करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर सिक्योरिटी किसी हेल्थ किसी सेफ सेफ्टी सेफ्टी की कोई पोजीशन दी गई है, लैब सेफ्टी के हवाले से फॉर एग्जांपल, लैब सेफ्टी के हवाले से मतलब यू हैव टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आप जो है ना पहले से जहन में सिनारियो खींचेंगे कि यार ये अगर इस तरह से एक स्टूडेंट ने रखा हुआ है तो फिर क्या हो सकता है इससे आगे। तो सेफ्टी पे ना हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम तवज्जो दी जाती है, बाहर यूके यूएस की तरफ सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है उनके लिए पहले। एक मेरे फ्रेंड मुझे बता रहे थे कि वो रिसर्च कर रहे थे अपने पीएचडी का, तो उन्होंने जो है ना कुछ इक्विपमेंट को इस तरह से रखा कि उसकी जो हम जिस तरह तारे, अभी जिस वक्त मैं क्लासरूम में बैठा हूँ ना, आई कैन सी दोस वायर्स हियर, तो वो तारे ऐसे ही उन्होंने पाकिस्तानी स्टाइल में लगा दी, दरवाजे के सामने से गुजर रही थी, तो उस पर जो है ना वो एक पूरी इंक्वायरी बैठ गई थी वहां पे। मतलब सारे जो भी सिक्योरिटी के लोग थे वो बैठ गए, उन्होंने सेफ्टी के ये इस तरह से इन्होंने किया है, और फिर उन्होंने फिर उनके सेशंस रख दिए सिखाने के, ट्रेनिंग के भाई ये सेफ्टी ये होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस तरीके। तो उस वो बंदा हैरान हो गया, कहता है कि यार ये लोग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो उन्होंने पूरा एक ना सिनारियो खींचा था कि जैसे ही दरवाजा खुलेगा, बंदे का पाँव अटकेगा, इस तरीके से तार तार खींचेगी, तार टूट भी सकती है, जितनी पॉसिबिलिटीज थी कि
कि ये तार उसको उसके साथ लग सकती है, वो अटक के गिर सकता है या उसको इलेक्ट्रोक्यूट हो सकता है या इस तरह से. तो ये जो चीज थी ना, दिस शोज थी इमेजिनेशन, उनकी एक इमेजिनेशन थी. उन्होंने पहले से बहुत मुख्तलिफ सिनेरियोस को इमेजिन किया, ऐसे ऐसे हो सकता है. ठीक है, तो इस तरह से जब आप सोचेंगे ना, देन योर एक्शंस विल बिकम रिस्पॉन्सिबल. समझ में आई? तो ये इमेजिनेशन से मुराद ये. ईगो सेंट्रिक टेंडेंसीज, देखिए पहले सेल्फ इंटरेस्ट की बात आई थी, अब ये ईगो सेंट्रिक एक बात आ रही है, थोड़ा सा फर्क है इनमें. स्पेशल फॉर्म ऑफ इग्नोरेंस, ईगो सेंट्रिसिटी कहते हैं जी, इंटरप्रेटिंग सिचुएशंस फ्रॉम वेरी लिमिटेड पर्सपेक्टिव. ईगो सेंट्रिक का मतलब ये है कि आप ना बस एक खास पर्सपेक्टिव से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देख रहे होते हैं, आप दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देख सकते. ठीक है ना, अब यानी आप कैसे सोचते हैं, हाउ यू लुक एट दी सिचुएशन. जो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं ना, सेल्फ सेंटर्ड होना और सेल्फ इंटरेस्ट में फर्क है. सेल्फ इंटरेस्ट जो है ना, उसमें आप अनइंटेंशनली कुछ गलत कर रहे होते हैं, जबकि जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसमें आप इंटेंशनली गलत कर रहे होते हैं. ये इंटेंशन का फर्क आ जाता है उसमें. तो ये जो चीज है ना, ये भी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर में एक रुकावट है, ईगो सेंट्रिसिटी. यानी कि आप अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू सी द अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव. तो बीइंग अ मैनेजर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको हर चीज को बहुत सारे एंगल से देखना पड़ता है. जस्ट डोंट यू वी डोंट हैव टू लुक फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, वी हैव टू लुक एट इट फ्रॉम एवरीवन एल्सस पॉइंट ऑफ व्यू. आइडियली हर बंदा जो उसके नीचे काम कर रहा है ना, उसकी टीम में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेम इवेंट को देख सके, और ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सके. ऑर्गेनाइजेशन का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का, वो उसको किस तरीके से देखती है, व्हाट थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, इसका बड़ा होना बहुत जरूरी है. अच्छे मैनेजर बनने के लिए, अच्छे टीम लीड बनने के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू वन शुड बी एबल टू सी फ्रॉम एवरीवन एल्सस पर्सपेक्टिव आइडियली, या अगर नहीं कर सकता तो एटलीस्ट ज्यादातर लोगों के उसमें से देख सके. ठीक है, इसमें एक डेवलप करने का एक रास्ता ये होता है कि आप उनके साथ कम्युनिकेशन रखें, मीटिंग्स, डिस्कशंस, उनके साथ कॉन्टेक्ट में रहें, ताल्लुक में रहें, तब जाके अगले का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आएगा ना. वरना आप कैसे किसी के बारे में इमेजिन ही कर रहे होंगे या अज्यूम कर रहे होंगे, और वो जरूरी नहीं कि सही हो. तो कम्युनिकेशन इस हवाले से उनके साथ जरूरी है. तो ईगो सेंट्रिक टेंडेंसीज जो है ना, यानी अपना सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, अपने पर्सपेक्टिव से, तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर में रुकावट है बहुत बड़ी. एंड देन माइक्रोस्कोपिक व्यू जो है ना, इसी से रिलेटेड है. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक व्यू में भी क्या है कि आप जो है ना, बहुत नैरो व्यू से एक चीज को देख रहे होते हैं. जितनी जितनी आप एडवांस्ड यानी हायर पोजीशन पे जाते हैं ना, सीनियर पोजीशन पे जाते हैं, तो वी हैव टू मेक आवर विजन मोर एंड मोर मैक्रोस्कोपिक. लुक एट द बिगर पिक्चर, लुक एट द बिगर पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड इन जनरल. जितनी आप छोटी लेवल, अब आप एक मिसाल ले लें, नायब कासिद एक है. ठीक है, नायब कासिद का छोटा सा एक वेल डिफाइंड सा काम है, जिसने ये डॉक्यूमेंटेशन का इधर से उधर जाना है, इसका ये पीए जो उसको कहेगा फोटो स्टेट करा के ले, उधर जमा करा दो, तो उसने एक काम करना है. ठीक है, उस जबकि जो मैनेजर होगा उसके ऊपर या एचओडी है, तो उसने जो है चीजों को दूसरे बड़े पर्सपेक्टिव में देखना है. सिर्फ ये नहीं कि ये डॉक्यूमेंट है बस एक, इसको इधर से उधर फोटो स्टेट, उसने बड़े एंगल देखना है कि what is going on the department, what other people are doing, और जो वो कर रहे हैं उनके actions का क्या consequence होगा, department की direction किस तरफ जा रही है, तमाम लोगों के team जो ये काम कर रहे हैं इसमें. तो मतलब ये है कि microscopic vision अगर आप करेंगे ना किसी एक specific job के अंदर, किसी specific aspect को बस देखेंगे और बाकी हर चीज को ignore कर देंगे या कम importance देंगे, या अगर इंफॉर्मेशन पहुंच रही है तब भी कम इंपॉर्टेंस देंगे, तो दैट इज अगेन यू विल नॉट बी एबल टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली. रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये है कि जितनी आपकी पोस्ट है जिस पर आपको रखा गया डेजिग्नेशन पर, उस पर आप जो है पूरी एक पिक्चर देख सकें. आपका जो पिक्चर देखने से मुराद ये है कि आपको चीजों का, इवेंट्स का, उनके बैकग्राउंड का, उनके कॉन्सिक्वेंसेस का, उन एक्शंस के रिजल्ट्स का, लोगों किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, कौन किस तरह बिहेव करेगा, किसका क्या रिएक्शन होगा, ये पिक्चर आपके जहन में होनी चाहिए, तब जाके आप रिस्पॉन्सिबली एड कर सकेंगे. ठीक हो गया, किसी ने कोई चीज पूछनी हो, ऐड करनी हो इस पॉइंट में. एक पहले जो बात हो रही थी ना, वो इंसान के अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव से हो रही थी, अभी जो है ना बात जॉब जो एस्पेक्ट है उसके हिसाब से हो रही है. थोड़ा सा फर्क है इन दो पॉइंट्स में. चलें जी, आप आगे बढ़ते हैं.
हमारी क्लास कब स्टार्ट हुई थी ये, कितना टाइम हो गया अभी हमें? सर सवा एक मिनट स्टार्ट, सवाई स्टार्ट हुई थी ना, अभी 40 मिनट्स हुए हैं तकरीबन, तो अभी कितने 40 मिनट्स रहते हैं और मजीद ना। सही है, वो सर टाइम मेरा खाना गलत आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो टाइम है ना ये शो कर रहा है 1:15 बजे स्टार्ट हुई है उसके हिसाब से जो है, ठीक है हाँ 45 मिनट्स शो कर रहा है, 40 मिनट्स वैसे हुए ये 45। अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी, इसके बारे में आप जरा इस पॉइंट को पढ़ें, पॉइंट नंबर 7 इसके नीचे लिखा है, इसका क्या मतलब समझते हैं आप? Easier for independent consulting engineers to exercise their professional autonomy in organization culture, engineers usually defer uncritically to authority. इस पे जरा आप लोग पॉइंट को पढ़ें और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो समझ में आ रहा है वो जरा मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये इसका मतलब है क्या। Uncritically, अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी का मतलब जो है क्रिटिकली किसी चीज को देखने का मतलब ये होता है कि आप उसको क्रिटिकली किसी चीज को देखने का मतलब ये है कि आप उसको जो है लॉजिकली देख रहे होते हैं या उसको इस लिहाज से देख रहे होते हैं कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, उसकी डिटेल्स में जाके उसको लॉजिकली एनालाइज करते हैं कि यार ये जो चीज है सही और गलत के हिसाब से देखते हैं, क्रिटिकल इवेल्युएशन होती है जिस तरीके से। और एक है कि आप अनक्रिटिकली देखेंगे तो आप उसको बगैर सोचे समझे बगैर लॉजिक रीजनिंग के जरिए से देखे आप उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कॉन्सेप्ट है आपका, आप पढ़ रहे हैं इसको किताब में से तो आपने उसको बस एक्सेप्ट कर लिया, हाँ अच्छा ही लिखा होगा ऑथर ने। क्रिटिकली देखना ये है कि आप उसको देखें पूछें यार ये सही है तो कैसे है, क्यों है सही, इसके पीछे क्या लॉजिक है, रीजन है, क्या नॉलेज है इसके पीछे, क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब मुझे बताएं इसका मतलब क्या है इन दो पॉइंट्स का जो लिखे हुए हैं स्क्रीन पे इस वक्त। तो इसका मतलब यही है ना कि कोई भी एक इंडिविजुअल एग्जांपल एक इंजीनियर है तो उसके पास फुल ऑटोनॉमी होगी, मतलब अथॉरिटी उसकी पूरी फुल अथॉरिटी होगी, किस हवाले से फुल अथॉरिटी होगी, मतलब जो भी उसको टास्क दिया गया है उसके पास अथॉरिटी हो जिस मतलब किसी भी तरीके से जो उसको ठीक लगता है उस तरीके से कर सकते हैं, तो कोई प्रोटोकॉल वगैरह उससे मतलब सीनियर्स की मतलब जरूरत नहीं होगी। वो तो कहा है कंसल्टिंग इंजीनियर के लिए, नीचे लिखा हुआ है इंजीनियर से नीचे भी आ रहा है, वो इंजीनियर वो भी है नीचे हुआ है, दूसरे पॉइंट वाले भी लोग इंजीनियर है, फर्क क्या है दोनों? फर्क क्या है दोनों, एक कंसल्टिंग इंजीनियर है दूसरे में ऑर्गेनाइजेशन कल्चर लिखा हुआ है, क्या समझ में आता है इससे? देखिए कंसल्ट मैंने काम करके देखा है ना, एज अ कंसल्टेंट भी काम करके देखा है और मैंने एज अ फैकल्टी मेंबर पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन भी करके देखा है, मेरा अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इस हवाले से। अच्छा यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, इन्होंने लिखा है एज अ कंसल्टेंट कंसल्टिंग इंजीनियर्स और दूसरे में लिखा है इंजीनियर एज अ पार्ट ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन। जब इंजीनियर एज अ कंसल्टिंग इंजीनियर काम कर रहा होता है ना तो इट ही हैज मोर प्रोफेशनल ऑटोनॉमी, ठीक है, वो अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड होगा या अपना काम खुद से कर रहा होगा तो उसका कोई बॉस उस तरीके से, उसका कस्टमर ठीक है उसका बॉस होता है लेकिन उस तरह से प्रेशर नहीं होगा उस पर या कोई उस पर कोई जो है ना जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो वो जब अपने इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा ना तो वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहेगा कि दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग दिस इज शुड बी दिस शुड बी डन दिस शुड नॉट बी डन, ठीक है, तो उसमें वो ज्यादा इंडिपेंडेंटली जो है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर सकता है या डिसीजन ले सकता है। ऑन दी अदर हैंड इफ यू आर पार्ट ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन सम सेटअप, आपके ऊपर कोई मैनेजर है कोई और हायरार्की है और इसी तरह से कुछ मैनेजमेंट भी है तो फिर बंदा जो है ना उस तरीके से उसमें ऑटोनॉमी भी होती है, फिर उसके हवाले से थोड़ा सा वो प्रेशर में रह रहे के उस तरह से हो भी जाता है कि एक्सेप्टिंग किस्म का बिहेवियर हो, तो वो उसमें जो है ना क्या होता है उसके हिसाब से ये बात कर रहे हैं कि व्हेन रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर में जरूरी है कि यू हैव टू बी क्रिटिकल। अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी जो है ना दैट इज अ हिंड्रेंस इन रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, आपको किसी आपके बॉस ने मे बी अ नॉन टेक्निकल पर्सन उसने कोई काम कह दिया जी आप ऐसे कर लो और आप जो है उसकी बात मान लेते हैं तो वो आपको पता है ये गलत है या आप गौर नहीं करते ज्यादा उसके ऊपर और आपको पता नहीं चलता कि गलत है सही है लेकिन टेक्निकली वो एक्शन लेना गलत था इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दिस थिंग इज अगेन अ हिंड्रेंस इन रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, तो इंजीनियर शुड
लुक एट दी मतलब ये जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई है ना क्रिटिकली चेक लुक इवैल्यूएट देम, ये नहीं कि आंखें बंद करके यस सर विल जस्ट डू इट इस तरह नहीं, बल्कि आप उसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। इंजीनियर का काम है ये कि वो इस चीज़ों को सही फैसले करें, ये नहीं कि जो उसको कहा गया बस कर दें ठीक है जी कर लो। तो ये इस पॉइंट है इसका कि अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी, uncritical acceptance of authority is not good for an engineer, it's not suitable for him, he or she must think ke jo kaam ka action lene ja raha hai ya kaam karne ja raha hai jo bhi decision liye ja raha hai wo whether it is technically correct or not aur kya uske consequences honge ya kitna correct hai to kitna hai ya galat hai to kitna galat hai। तो ये चीज जो है ना बेसिकली यहाँ पे उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो अगर इस तरह से अगर नहीं करेंगे तो दैट इज ऑल्सो इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ इंजीनियर। इंजीनियर से एक्सेप्ट किया जाता है कि मस्ट क्रिटिकली इवैल्यूएट द इंस्ट्रक्शंस जो भी इसको दी गई है फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे जो भाई है ना उन्होंने बहुत पहले मुझे जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि वो किसी शिप पे होते थे, तो उनके जो कैप्टन थे ना शिप के उन्होंने कहा जी कि आप जो है ना हो ही रहा था इस तरीके से कि शिप ग्राउंड होने लगा था यानी लैंड पे चढ़ने लगा था, वहाँ पे शेलो वाटर था तो उस पे चढ़ने लगा था। तो उसको जो है ना उसके कमांडिंग ऑफिसर ने जब उसको पता चला तो उसने इंजीनियर को कहा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफिसर होता है शिप का, उसको कहा जी कि आप इसको रोकें किसी भी तरीके से फुल रिवर्स गियर लगा दें। तो उसने जो है ना मैकेनिकल इंजीनियर ने कहा कि सर आपने जो है ना जो मुझे कमांड दी है ना आप लिख के दें मुझे पेपर पे ताकि कल को मुझे, क्योंकि इसका जो है ना होगा ये कि जब मैं फुल गियर रिवर्स की लगाऊंगा ना इसका गियर बॉक्स खत्म हो जाएगा, रुक तो जाएगा लेकिन गियर बॉक्स खत्म हो जाएगा, फिर ये चला जाएगा आपका उसमें और मैं मेरे ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद हो जाएगी कि भाई इसने इसका गियर बॉक्स खराब कर दिया, तो आप लिख के मुझे ये कमांड दें मैं कर दूंगा आपके कहने पर। तो उसने ऐसे नहीं किया, बस जैसे ही उसको कहा तो उसने आंखें बंद करके फुल गियर रिवर्स लगा दी और वो उसने उसको क्रिटिकली एक लिहाज से देखा था और बताया भी था अपने, फिर मैं भी कमांडेंट ने जो है कैप्टन ने जो है वो उसको चेंज कर दिया होगा अपना डिसीजन उस हिसाब से, उसने कहा होगा कि फुल जो है ना आप स्टारबोर्ड लगा दें टर्न कर दें इस तरह की बात की होगी, आई डोंट नो द डिटेल्स फर्दर, लेकिन ये कहने का मकसद मेरा ये है। तो ये मैं एक एग्जाम्पल कोट कर रहा था यहाँ पे, क्लियर है, सुना है आप लोगों ने एग्जाम्पल? जी सर, कुछ ऐड नहीं करना चाहिए? यस सर, चले ठीक है। ग्रुप थिंक, अगला जो हिंड्रेंस है ना रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर में वो है ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक जो है ना वो बेसिकली इसका चक्कर ये है, कॉन्सेप्ट इसका ये है कि लोग जो है ना दे इफ दे आर मेकिंग सम डिस्कशन डूइंग सम डिस्कशन एंड दे आर कमिंग टू सम कंक्लूजन आफ्टर डिस्कशन, तो उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। किस तरह से के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जी, के लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा क्रिटिकली नहीं सोचते इसको, दे कम टू एन एग्रीमेंट थ्रू डिस्कशन विदाउट गिविंग द ड्यू क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, जैसे आपने जो है इसमें ग्रुप थिंक में क्या होता है कि एक इल्यूजन हो जाता है इन वल्नरेबिलिटी ऑफ ग्रुप टू ग्रुप फेलियर, यानी कि जो ग्रुप है ना ग्रुप में जब इंसान होता है ना तो काफी सारे इसमें गलत फॉल्स जो है ना सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाता है इसमें, अ स्ट्रॉन्ग वी फीलिंग, ठीक है, सेल्फ ऑफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गया और उसके उसकी वजह से आप क्रिटिकली चीज को नहीं देख रहे होते, लॉजिकली नहीं देख रहे होते, आप जो है ना ग्रुप थिंकिंग डिस्कशन में जो है ना जो ज्यादा अच्छे तरीके से डिस्कशन को चला रहा है या वो हैंडल कर रहा है तो वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना बाकी लोग उससे एग्री कर रहे होते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स आ जाते हैं उसमें। फिर बहुत सारे लोग जो है ना एग्री नहीं कर रहे होते मगर ये कि ग्रुप के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं इस वजह से वो उनको एग्री करना पड़ता है या अनइंटेंशनली भी वो एग्री कर रहे होते हैं उसके साथ। ठीक है, तो ग्रुप का प्रेशर भी होता है इसमें, तो डिसएग्रीमेंट शो करने पे जो है ना आप डिसएग्री नहीं कर सकते, तो उससे नतीजा ये निकलता है कि जो आपकी जो फैसले हैं वो गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ देयर इज सम डिस्कशन दैट शुड बी डन क्रिटिकली। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग के बाद कोई नतीजा निकले तो वो ठीक होता है। अगर आप ग्रुप थिंकिंग के ऊपर ही चलेंगे और ये कह देना कि मेजॉरिटी ये कह रही है तो सही होगी तो दिस इज नॉट करेक्ट, तो लॉजिकल रीजनिंग के जरिए से देखना जरूरी है। तो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर में ये भी एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना ये भी एक प्रॉब्लम आता है, इसलिए जो है ना हमें क्रिटिकली इवेलुएट करना चाहिए बिफोर मेकिंग सम डिसीजन, दैट इज द पॉइंट। तो ये ग्रुप थिंक जो है ना ग्रुप थिंक के जो
ग्रुप थिंकिंग इज नॉट बैड, लेकिन ग्रुप थिंकिंग के जो साइड इफेक्ट्स है ना उनको ओवरकम करना चाहिए, ठीक है? तो दैट्स द पॉइंट ओवर हियर. अच्छा जी, अभी जो है ना क्या कहते हैं, कोड ऑफ एथिक्स की थोड़ी सी ये बात आगे करेंगे. इसमें ये है कि आप लोग, वैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ काफी हद तक इस कोड ऑफ एथिक्स का, स्टेट ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंजीनियर्स एज सीन बाय द प्रोफेशन एंड एज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोफेशनल सोसाइटी, ठीक है? मैंने वी हैव आल्सो वी हैव सीन द कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल इंजीनियर्स, उसका डॉक्यूमेंट भी शेयर किया था आपसे. कोड ऑफ एथिक्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, दीज आर अ फ्यू रीजंस. पहला ये है कि सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, गाइडेंस, रहनुमाई करना हमारी इंजीनियर्स की, इवन जो बाकी जनरल पब्लिक है वो भी कुछ हद तक उसमें इंस्पिरेशन. दूसरा ये कि शेयर्ड स्टैंडर्ड्स जो है ना वो कॉमन हो जाते हैं आपस में, ठीक है? हम एक पेज पे आ जाते हैं बिहेवियर में और प्रोफेशनली. सपोर्ट फॉर रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल्स, जो रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल्स हैं उनको सपोर्ट मिलता है इसमें, हकदार को हक अदा होता है. और जो दूसरा जो है मतलब के मिस्टेक करे तो उसको उसकी सजा होती है, उस हवाले से. एजुकेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कोड ऑफ एथिक्स से ना हमारे आपस में इंजीनियर्स में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की फिजा डेवलप होती है, डिसिप्लिन आता है. एक जो है ना हमारे मतलब ये कि जो प्रोफेशन है उसमें एक समझ लें कि एक यूनिटी आती है और एक प्रोफेशन का एक अच्छा इमेज जो है ना क्रिएट होता है कोड ऑफ एथिक्स से. आगे क्या कहता है कोड ऑफ एथिक्स जो है ना उसके बारे में, अब ये कुछ बातें जो पहले आपको नहीं बताई अब उनकी बात कर लेते हैं. कोड ऑफ एथिक्स जो है ना वो कोई हर्फ आखिर नहीं होता ये, ठीक है ना? ये कोड ऑफ एथिक्स इज नॉट सहीफा, आसमानी किताब नहीं है कोड ऑफ एथिक्स जो आपको बताया गया था, ठीक है? ये इंसानों ने बनाया है डिस्कशंस कर करके और एक्सपीरियंसेस के. कोड ऑफ एथिक्स आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्रैपलिंग विद एथिकल डिलेमा. एथिकल डिलेमा का मैंने आपको बताया था पहले. तो कोड ऑफ एथिक्स है ना वो आपके, हमें अपनी जो कोशिश है ना, यानी कि एक एथिकल डिलेमा को हैंडल करने के लिए हमें अपना एफर्ट जो पुट इन करना पड़ेगा. कोड ऑफ एथिक्स इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर, इफ यू हैव टू थिंक एंड डू द एफर्ट फॉर सॉल्विंग दैट एथिकल डिलेमा. एथिकल डिलेमा मैंने हम पहले बात की थी कि जी आपके पास दो तीन एक जैसे किस्म के हैं, उनमें से एक चूज करनी है आपने, एक डिसीजन लेना है. ऑप्शन दो तीन अवेलेबल है, उसमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. सभी इंपॉर्टेंट है तो किसको सिलेक्ट करेंगे, तो हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी सवाले से. तो वो हमें खुद से लॉजिक रीजनिंग के जरिए से और गुड जजमेंट से डिसाइड करना होता है, इसको सॉल्व करना होता है. तो कोड ऑफ एथिक्स को खोला आपने, देखा उसमें से मैं क्या करूँ, सूरत हाल में आपको हल नहीं मिलेगा. वी हैव टू यूज आवर ओन माइंड इन इट. अनसर्टेनिटीज अराइज ऑन. अच्छा, दूसरा ये कि जो कोड ऑफ एथिक्स है उससे जो है ना एथिकल डिलेमास भी पैदा होते हैं, ठीक है? पहले तो मैंने हमने कहा था ना मॉरल वैल्यूज होती है बहुत सारी, तो उसमें से कभी कभार ऐसा होता है कि कोड ऑफ एथिक्स में से जो है ना कुछ ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं. ये वो चीज है जिसके बारे में मैं आपसे ये कहूंगा कि देखें, इंसान का बनाया हुआ है ना कोड ऑफ एथिक्स, प्रोफेशनल इंजीनियर्स का, इंजीनियर्स के प्रोफेशन के लिए. इंसानों ने ही बनाना था इंजीनियर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए तो नहीं कोई सहीफा नाजिल होना था, वो तो प्रोफेशन है, उसको इंसानों ने ही बनाना था. मगर देखें कितनी लिमिटेशन है कि इसकी कई जो एंट्रीज है ना वो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग होती है. बट दीज थिंग्स कैन नॉट बी सीन इन जो आसमानी किताबें होती है ना उसमें, जो है ना मिसाल के तौर पर कुरान पाक में आपको नहीं मिलेगा कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट एक चीज का दूसरे के साथ. मगर आप कोड ऑफ एथिक्स को उठा कर देखिए ना तो यू विल फाइंड मैनी कॉन्फ्लिक्टिंग एंट्रीज इन इट. तो ये कोड ऑफ एथिक्स की लिमिटेशन बता रहे हैं. दूसरी बात यह है, लिमिटेशन जो है ना वो इसलिए होती है क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा होती है ना, तो इसमें यूनिफाइड कोड ऑफ एथिक्स की जरूरत है कि कोड ऑफ एथिक्स को यूनिफाई किया जाए, एक दूसरे से लिंक किया जाए, कनेक्ट किया जाए, और उसमें से जो कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स है ना उनको सॉल्व किया जाए, रिमूव किया जाए बीच में से, या उनको हल निकाला जाए. तो कोड जो होते हैं ना, दूसरी बात जो जहन में रखे ना, कोड ऑफ एथिक्स इज नॉट द फाइनल वर्ड, इट्स नॉट द पत्थर पे लकीर नहीं है, हर्फ आखिर नहीं है, बल्कि इंसान का बनाया हुआ एक डॉक्यूमेंट है जो चेंज होता रहता है, जिसको चेंज हम भी कर सकते हैं, और हम उसको चेंज कराने के लिए वी कैन रेज वॉइस फॉर इट. कोड ऑफ एथिक्स के अंदर हम भी चेंजेस ला सकते हैं, वॉइस रेज करके, और एक
फॉलोइंग अपनी बना के तो कोड ऑफ एथिक्स जो आपका है उसको चेंज किया जा सकता है। तो हमारी जो सोच है ना बेसिकली, थोड़ा सा मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि गोरे की सोच में हमारी सोच में ये भी फर्क है कि हम लोग जो है ना चीजों को बहुत ज्यादा जो है ना स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे होते हैं, जो जहाँ पे नहीं करना चाहिए वहां पे भी। तो कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो किया जाना चाहिए लेकिन इतना स्ट्रिक्टली नहीं किया जाए कि भाई आप उसको हर्फ आखिर समझें और बस सब खत्म। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हर जगह पे होती है, ठीक है। तो इसके अंदर भी जो कोड ऑफ एथिक्स में अगर कोई इश्यूज है, कोई चीज सामने आती है तो उसको भी चेंज कराया जा सकता है, उसको भी चेंज किया जा सकता है, उसे बेहतर एथिकल मैनर में भी बिहेव किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अपनी जहालत इस्तेमाल इस तरह की सिचुएशन में, कोई अगर ऐड करना चाहे इस जगह पे पॉइंट अपनी तरफ से, हाँ जी किसी के जहन में आ रहा हो कोई पॉइंट वॉइंट? आप लोग बोर तो नहीं हो गए हैं मेरे साथ, ये चले गए बस? जैसे इधर ही है बस, ठीक है गुड। आप लोग कोई अगर कहना चाहें इसमें? अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ केयर, पहले मैं स्टैंडर्ड ऑफ केयर का मतलब बता दूं आपको। स्टैंडर्ड ऑफ केयर का मतलब होता है कि किसी प्रोफेशन में अ लेवल और क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनरली प्रोवाइडेड बाय अदर नॉर्मली कॉम्पिटेंट प्रैक्टिशनर्स ऑफ गुड स्टैंडिंग इन दैट फील्ड contemporaneously, यानी कि at the same time providing similar services in the same locality under the same circumstances. Standard of care का मतलब यह है कि एक standard जो के जो अच्छे practitioners हैं, अच्छे standing वाले practitioners हैं, medical की मिसाल चले ले लें, medical की मिसाल ले लें जी, कि एक medical के अंदर कोई एक मिसाल के तौर पर heart surgeon है या कुछ operate कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उन्होंने जो है ना एक लेवल ऑफ सर्विस क्वालिटी की सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो वो जो उनका ग्रुप है ना वो एक ही टाइम के अंदर एक ही एरिया के अंदर, तो वो आपका ना एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर देगा, उसको स्टैंडर्ड ऑफ केयर कहते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, इतना जो है ना किसी भी नए डॉक्टर को या किसी और डॉक्टर को इस स्टैंडर्ड को मीट करना चाहिए, अगर बाकी लोग अच्छे डॉक्टर्स कर सकते हैं तो उसको भी मीट करना चाहिए स्टैंडर्ड। दिस ये कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड ऑफ केयर का। इसी तरह से इंजीनियरिंग में भी है, इंजीनियरिंग के अंदर अगर मिसाल के तौर पर जो है फॉर एग्जाम्पल पुराने वक्तों में अगर जो है गाड़ियां आपकी जो थी देवर वेरी इनएफिशिएंट, बट दी कंपनीज इनमें इंजीनियर्स काम करते हैं, तो कंपनीज अगर कोई खास लेवल ऑफ एफिशिएंसी आपको प्रोवाइड कर रहे थे तो दैट वुड बी दैट लेवल ऑफ सर्विस वुड बी द स्टैंडर्ड ऑफ केयर। लेकिन अब वो हाई हो गया होगा क्योंकि अब जो है ज्यादा एडवांसमेंट हो गई है। तो स्टैंडर्ड ऑफ केयर से मुराद ये है कि बाकी जो है अच्छे प्रैक्टिशनर्स एक लेवल ऑफ सर्विस आपको दे रहे हैं, तो दैट गिव डिफाइंस समथिंग दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ केयर, कि इतना जो है ना स्टैंडर्ड होना चाहिए सर्विस का, ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब आगे क्या बात है कि एन इंजीनियर इज नॉट लायबल और रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजेस फॉर एवरी एरर। ये पॉइंट इसका ये है कि जो इंजीनियर होता है ना उससे अगर कोई मिस्टेक्स हो रही है, कोई काम उसने सर्विसेज प्रोवाइड की है उसमें गलतियां भी होंगी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको हर बात पर सजा दे दी जाए। ये एक प्रोटेक्शन है इंजीनियर्स की, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि when someone hires some engineer, he also by the engineer's normal errors, जो उसके errors होते हैं ना, जो human error, ये professional errors हैं normal किस्म के, वो सब साथ खरीदते हैं आप। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ सही चीज सर्विस के पैसे दिए और गलतियों के नहीं दिए, आपने गलतियां भी खरीदी हैं उस इंजीनियर की, एक एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड है ये चीज, ये फैक्ट, ठीक है। लेकिन वो जो उसकी गलतियां हैं ना वो तब अपनी गलतियों का जिम्मेदार होगा when his negligence or his error is goes beyond the standard of care. जो standard of care है ना उससे आगे ज्यादा बड़ी अगर गलती करेंगे तब उसको आप जो है ना उस पर मतलब ये कि फाइन लगा सकते हैं या उस पर केस कर सकते हैं कि जी आपने सही काम नहीं किया। लेकिन छोटी मोटी गलतियां जो errors हैं वो आपने accept करना होगा, वो अपने agreement में accept कर रहे हैं आप उसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी फ्रूट शॉप से if you buy some fruit from the shop, अब वो जो फ्रूट वाला है वो कहेगा देख लें ये आपके सामने ही है वो फ्रूट, मतलब हर फ्रूट ऐसा थोड़ी है कि आइडियल होगा बिल्कुल। आपने सेब खरीदा सपोज, वो थोड़ी है कि अगर लिया से आइडियल होगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, थोड़ा पुराना होगा, किसी पे कोई दाग लगा होगा, तो आपने वो सब उसके साथ खरीदा है। अब आप कल को उसके पास चले जाएं कहेंगे कि ये इसमें तो दाग लगा हुआ था, छोटा सा स्पॉट है, तो वो भी आपकी बात को एंटरटेन नहीं करेगा, ठीक है। वो कहेगा ये कि आपने ये खरीदा है, ये आपने देख के खरीदना था जिस वक्त आप खरीद रहे थे। तो लेकिन अगर आप बिल्कुल ही कोई गला हुआ उसको सेब दे देंगे सपोज, तो खाने के काबिल नहीं है, फिर तो एक और बात, ठीक है। तो ये वो बात उन्होंने कही है, समझ में आई ये बात यहाँ पे? Yes, sir. हाँ जी, abuses of code, worst abuse of the code is to restrict the honest moral effort. हाँ, ये जो है ना कोड के अब्यूजेस की बात अब की जा रही है इस स्लाइड में, इस स्लाइड में, और बस ये आखिरी वर्ड।
Abuses of code का मुराद ये है कि honest moral efforts on the part of engineers in order to preserve the professional public image. ठीक है, जो इंजीनियर्स का जो है ना मॉरल एफर्ट्स हैं, ऑनेस्ट मॉरल एफर्ट्स, उनको दबा दिया जाए ताकि जो है ना पब्लिक इमेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का मेंटेन किया जा सके. दैट इज द वर्स्ट, कंसिडर्ड एज द वर्स्ट अब्यूज ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स. और दूसरा ये कि कंसिडरिंग कोड ऑफ एथिक्स एज सीक्रेट डॉक्यूमेंट दैट शुड बी एक्सेप्टेड अनक्रिटिकली, ये एक और अब्यूज ऑफ कोड है जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था ना, बात वही वाली बात है ये. यानी कि उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, नो टॉलरेंस ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर कोड देमसेल्फ, कि कोड में जो कुछ लिखा हुआ है ना, बस आप उसको हरफे आखिर और सहीफा खुदा ना खासा तो बस आप समझ लें और उसको उसको क्रिटिसाइज ना करें. कोड ऑफ एथिक्स को चैलेंज किया जा सकता है, उसको चैलेंज करें, उसमें इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है. इंसानों का बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है, तो अगर आप उसको हरफे आखिर समझ के बस आंखें बंद करके उसमें अमल करें, अनक्रिटिकली एक्सेप्ट कर लें, तो दैट इज ऑल्सो द अब्यूज ऑफ कोड ऑफ एथिक्स. तो दैट वॉज द पॉइंट. अच्छा, इसके बाद है, हाँ, कभी कभार जो है ना कोड ऑफ एथिक्स में कुछ अननेसेसरी पाबंदियां भी लगी हुई होती हैं, ये फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना ये करेक्ट हो जाएंगी. अगर इंजीनियर्स ने इसको इसके अगेंस्ट वॉइस रेस की तो इम्प्रूवमेंट आ सकती है उसमें. ठीक है, उसी की एक मिसाल दी हुई है कि इंजीनियर शुड नॉट सॉलिसाइट और सबमिट इंजीनियरिंग प्रपोजल्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव बिडिंग. यानी कि जो है ना प्रपोजल्स जो है ना पहले से जमा नहीं करानी चाहिए. ठीक है, जबकि प्रपोजल्स जो है ना वो जमा कराई जा सकती हैं, यानी वो सीक्रेट रखने की नहीं, इसमें कहा जा रहा है कि सीक्रेट रखना चाहिए. जैसे अपने प्रपोजल कोई भी किसी अपने कंपनी को घर बनाने के लिए हायर किया तो घर का जो नक्शा वक्शा इस टाइप की डिटेल्स है वो सीक्रेट रखने के लिए कहा जा रहा है उनको. तो लेकिन ये है कि वो अगर जमा, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि वहां पर आप जमा करा सकते हैं, ये कराना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर होता है. तो उसका ये कह रहा है कि कोड ऑफ एथिक्स आपको रोक रहा है, जबकि प्रैक्टिकली और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो जमा कराना ज्यादा फायदेमंद है. तो वहां पर आप जो है ना क्या कहते हैं, जो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट्स है ना, इन ये नहीं लगाना चाहिए, ये कहने का मकसद है इनका यहाँ पे. अच्छा, आखिर में ये एथिकल रिलेटिविज्म की बात हो रही है, जो कि मैंने पहले दूसरे लेक्चर में आप लोगों को एक मिसाल दी थी, उसी से कनेक्टेड है ये. कोड ऑफ एथिक्स जो है ना आर द कन्वेंशंस एस्टैब्लिश्ड विद इन प्रोफेशंस इन ऑर्डर टू प्रमोट पब्लिक गुड. ठीक है, मोरल वैल्यूज आर नो मोर देन कस्टम्स दैट आर एक्सेप्टेबल ओनली फॉर द मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी बिकॉज दे आर एज व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द कस्टम्स. तो मोरल वैल्यूज जो है ना वो आपके कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कल्चर, एनवायरमेंट, जो सोसाइटी की माहौल है उस पर भी डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो एक जगह का मोरल वैल्यूज दूसरी जगह की मोरल वैल्यूज से डिफरेंट हो सकती हैं. ठीक है, इसी तरीके से जो कोड ऑफ एथिक्स हैं वो आपने वैसे बनाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, बट देर कैन बी वेरिएशन फ्रॉम वन सोसाइटी. तो ये जो है ना एक चीज इसमें से कि क्या कहते हैं, हम एक मॉडल बना लें और हर जगह पे इम्प्लीमेंट कर लें, तो इसमें ये बात भी जो है ना पूरी हद तक ठीक नहीं है. काफ़ी सारी इसमें वेरिएशंस आ सकती हैं. और दूसरा फिर ये इसमें इसका डाउन साइड बता रहा है कि problem with ethical relativism allows any group of individuals to form its own society in its own conventions, laws of unity or rules so about the possibility of moral critique in giving the code of ethics. अच्छा, ये जो है ना देखें, एक तो ये बात इसमें से सामने आती है कि कल्चर के फर्क से जो आपके प्रोफेशनल एथिक्स हैं उसमें भी जो है ना एक जगह और दूसरी जगह के हिसाब से फर्क हो, वेरिएशन हो सकती है. एक जगह पे सूटेबल हो, दूसरी जगह पे जो है थोड़ा सा वेरिएशन उसमें हो. लेकिन इसकी जो डाउन साइड है वो क्या है, इससे क्या होगा कि फिर आपकी जो है ना जो ग्रुप्स और सोसाइटीज हैं विद इन इंजीनियरिंग, जैसे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की सोसाइटी हो गई या कोई और केमिकल इंजीनियर की सोसाइटी हो गई या विद सोसाइटीज, स्मॉल सोसाइटीज विद इन बिगर सोसाइटीज, वो अपनी कन्वेंशन फिर निकाल लेंगी. ठीक है, तो जो यूनिटी एक आ रही है एक सब में, जो यूनिफॉर्मिटी आ रही है वो चीज जो है ना वीक हो जाएगी. दूसरी जो बात है ना इसमें वो ये है कि रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ मोरल क्रिटिकिंग. कोड ऑफ एथिक्स देखें, अगर एक कोड ऑफ एथिक्स में इतना ज्यादा फर्क हो तो आप उसको मोरल क्रिटिक कहते हैं. बेसिकली मोरल क्रिटिक आप कहते हैं सही और गलत का रूल्स ऑफ जजिंग द कोड ऑफ एथिक्स मोरली.
मोरल क्रिटिक कहते हैं कि जो कोर्ट्स ऑफ एथिक्स है ना, कोर्ट्स ऑफ एथिक्स उनको जज करना मोरली राइट है या रॉन्ग है. जब बहुत सारे राइट हो जाएं और बहुत सारे रॉन्ग हो जाएं तो फिर आप राइट और रॉन्ग का कैसे तयन करेंगे कि एक जगह पे जो कोड ऑफ एथिक्स है वो एक लोगों की जो मोरल क्रिटिकिंग है उसके मुताबिक वो ठीक है और बाकी लोगों के हिसाब से वो गलत है. सही और गलत बहुत, यानी कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे सही और गलत हो जाएं तो फिर आप सही और गलत का कैसे फैसला करेंगे, तो ये इसकी डाउन साइड है. दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो है वो मोरल वैल्यूज में फर्क है फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, फिर आपकी सोसाइटी वर्किंग एनवायरनमेंट्स जॉब के कंडीशंस है उनके अंदर फर्क है. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की आप मिसाल ले लें. पाकिस्तान में चिंगची चलते हैं, ठीक है, एक इंजीनियरिंग मशीन है ना, इंजीनियरिंग डोमेन की मिसाल है, चिंगची चलते हैं, ठीक है. चिंगची देखिए ना आपने, तीन बाइक के पीछे वो लगा देते हैं. सुन रहे मेरी बात आप लोग? यस सर. हाँ, आप ये चला सकते हैं क्या अमेरिका की किसी हाईवे के ऊपर ये सड़क? हाँ, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मुख्तलिफ है ना उनके, तो उसके अब अगर एक चीज अलाउड नहीं है वहां पे उसकी डिजाइनिंग करना और उसके बाद सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रखना इस तरह से, तो ये दूसरा बात. ये आप और कहीं दूर ना जाए, आप इसकी मिसाल इस्लामाबाद की मिसाल ले लें. रावलपिंडी में रिक्शे चलते हैं, इस्लामाबाद में नहीं चलते आपके, उनके रूल्स डिफरेंट है. रिक्शा इतना सेफ नहीं समझा जाता एज कम्पेयर टू कार. तो इस हवाले से समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? yes, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि जो आपकी इंजीनियरिंग की एनवायरनमेंट है उसमें भी फर्क होता है. एक जगह पे और तरह के स्टैंडर्ड्स हैं, दूसरी जगह पे और तरह के स्टैंडर्ड्स हैं. अब एक स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है एक चीज अलाउड है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरी तरफ आप चले जाते हैं उस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो अलाउ नहीं करते इसको. तो इस ये सारा प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी. एट द सेम टाइम इन सब के ऊपर एक आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है विच इज द इंजीनियरिंग कोड ऑफ एथिक्स, जो हमारे एथिक्स की जो है ना एक आप समझ लें कि एक मेन जो है ना डॉक्यूमेंट है और बाकी सारी बातें उसमें से निकल के आती हैं. वो खुद इटसेल्फ भी जो है ना डॉक्यूमेंट हरफ आखिर नहीं है, उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स कॉन्ट्रडिक्टिंग कॉन्फ्लिक्टिंग हैं और हम उसमें इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं थ्रू डिस्कशन, थ्रू उसके मतलब ये कि आवाज बुलंद की जाए कि जिस चेंजेस की जाए इसमें, एक्स्ट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा जगहों पे चेंजेस की जाए इसके अंदर, ये सारी चीजें हम उसमें कर सकते हैं. तो दिस इज दी पिक्चर. तो आई होप कि ये आपने इस आज के लेक्चर के अंदर जो है ना क्या देखा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसमें रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर में क्या रुकावटें हिंड्रेंसेज मुश्किल होती हैं. हमने इसमें जस्ट कोई सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ डिसेप्शन, फियर, इग्नोरेंस, ईगो सेंट्रिक टेंडेंसीज, माइक्रोस्कोपिक विजन, अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस, एक बात तो हमने ये की थी. बाकी आखिर में हमने कोड ऑफ एथिक्स के बारे में बात की थी कि जो हमारे कोड ऑफ एथिक्स है वो कोई एब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट उस तरह से नहीं है हरफ आखिर, एक हमारे लिए जो है ना रेफरेंस का डॉक्यूमेंट है, इसको हमें फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए, मगर इसमें भी इम्प्रूवमेंट्स हो सकती है. प्लस ये कि जो एथिकल वैल्यूज हमारी हैं और जो हमारी मोरल वैल्यूज हैं दे आर रिलेटिव, एक जगह पे कुछ होंगी दूसरी जगह कुछ होंगी. तीसरी बात हमने ये शुरू में बिल्कुल की थी मैंने कि मोरल वैल्यूज जो है ना वो वन इंडिविजुअल टू अदर इंडिविजुअल वेरी करती हैं, और हमारी कुछ कोर मोरल वैल्यूज होती हैं वो ज्यादातर लोगों की एक इन अ नेशन इन अ सोसाइटी दे शुड बी कॉमन, और वो अगर हम सही तरीके से अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो हमारी जो है ना यानी सोसाइटी इंप्रूवमेंट की तरफ जा सकती है. उसमें मैंने एक ऑनेस्टी पे आप सबने एग्री किया था, कुछ लोग सेल्फ रिस्पेक्ट को भी जो है वो कोर वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट कोर वैल्यू कह रहे थे, ठीक है. तो इससे एक ये पॉइंट सामने आया था कि जी मोरल वैल्यूज आपकी वेरी कर सकती हैं फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू द अदर इंडिविजुअल. तो ये जो है यानी इट्स नॉट प्योर मैथमेटिक्स और प्योर साइंस, इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, वेरिएशन होती है, और हमें इस वेरिएशन इख्तलाफ राय को एक्सेप्ट करना चाहिए. तो आई होप कि यहाँ पे आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी. आप लोग इन नोट्स को जो है ना गो थ्रू करना शुरू कर दें. अनकरीब मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा इस हफ्ते या अगले हफ्ते, और फिर क्विज का भी कुछ आपका प्लान करेंगे हम, ठीक है. एनी क्वेश्चन सो फार? चले ठीक है, फिर हम अपना ये सेशन जो है यहाँ पे अभी एंड करते हैं क्योंकि हमारे हिसाब से टाइम हो चुका है इसका.